दरवाजे की घंटी कब से बज रही है, दरवाजा खोल दो। लगता है कान में सरसों का तेल डाल के सो गई है। अब बहू के होते हुए सास दरवाजा खोले अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही खोल देते हैं। परेशान हो गए। हाँ, हाय जी, हाय हाय हाय। ये अपनी हाय वाय अपने ही पास रखो है? क्योंकि हम ना तो किसी की हाय लेते हैं ना किसी को हाय देते हैं। आंटी जी, प्रिया कहाँ पे है? वो कहाँ जाने वाली है, आवाज दो उसे। प्रिया, प्रिया डार्लिंग, हाय गर्ल्स, हाय। वाह बहू वाह, हैं? तुम्हें आवाज लगाने के लिए हमने चिल्ला चिल्ला के अपने गले का गलियारा बना लिया, तुम्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दी, और तुम्हारी तितलियों ने, क्या मतलब, तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें आवाज लगाई तो झट से चली आई। अम्मा जी, मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं। हाँ, अब अपनी सास की आवाज कहाँ सुनाई देगी इसे। एनीवे गर्ल्स, कम आओ लीला। वैसे सारी लीला देख रहे हैं। हाँ, एक बात बताओ, ये ड्रेस तुमने क्या 50% डिस्काउंट में खरीदी? अम्मा जी, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है, आधी ड्रेस पहन के आई है ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ तुम लोग जाके हमारी बुराई करो। नहीं नहीं, हमारा मतलब है आपस में बातचीत करो, हम अभी आते हैं। अब दरवाजा हमने खोला है तो हम ही तो बंद करेंगे। हाँ अम्मा जी, आओ। हाँ नहीं तो नौकरानी बना दिया हमें, सुरेखा से कम थोड़ी ना हम। प्रिया, कैसे बर्दाश्त करती है तू ऐसी सास को? अरे अब तो आदत सी हो गई है। इनफैक्ट अब जब अम्मा जी मुझे ताना नहीं देती ना, तो मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। वैसे दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान छुरी है। एनीवे ये सब छोड़ और बिंदु का बता, वो कहाँ है? वो सेट पर गई है राजीव के साथ। What? तूने बिंदु को राजीव के साथ सेट पे भेज दिया? हाँ तो इस पे प्रॉब्लम क्या है? प्रिया बेब्स, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू एक्सप्लेन यू? पेट्रोल और माचिस की तीली को साथ में रखो तो आग लगती है आग। तूने शिकारी को शिकार के साथ भेज दिया? लीला, मेरा राजीव को शिकारी थोड़ी ना है। ऑफ कोर्स नॉट स्वीटहार्ट, मैं राजीव की बात नहीं कर रही, राजीव तो शिकार है, शिकारी तो वो बिंदु है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी बिंदु एक बहुत अच्छे दिल की लड़की है, एंड आई ट्रस्ट माय राजीव। लो तितलियों, हाय, हमारा मतलब है हमारी बहू की सहेलियों, चाय पियो। अरे अम्मा जी, ये चाय आपने क्यों बनाई? अब क्या करते बहू, तुम तो रसोई में जाके चाय बनाती नहीं, तो हमें ही बनानी पड़ी। हमारे अरे अरे, एक मिनट, गर्ल्स गेट रेडी, देयर इज अ कहावत कमिंग, है ना अम्मा जी, सुनाइए। हमारे बनारस में कहावत है, बहू हमारी लोमड़ी, सास बिचारी गाय, और अतिथि को ना भेजिए बिना पिलाए चाय। वाह 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 अम्मा जी, वैसे क्या अभी अभी आपने मुझे लोमड़ी कहा? नहीं नहीं बहू, हमने तो खुद को गाय कहा। वैसे क्या बातें हो रही थी? बछड़े के बारे में। बछड़ा? हाँ, अब अगर आप गाय हैं तो फिर आपका लल्ला तो बछड़ा हुआ है ना। हम राजीव की बातें कर रहे हैं। हाँ नहीं तो। एक्शन। भर दीजिए सुनी मांग को, सजा दीजिए इसमें अपने नाम का सिंदूर, लिख दीजिए इसमें अपना नाम और बना दीजिए मुझे सदा सुहागन। कर 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 कर। बिंदिया जी, वो कुशल साहब जो है ना, वो आपकी मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन डालिए ना प्लीज। कुशल साहब, ये आपकी पत्नी है। सिर्फ शो में। रेडी? रेडी सर। एक्शन। कट 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 कट। सर इसने मेरे बालों पे लगा दिया। वैसे भी तुमने विगी तो पहनी है। सॉरी सर, टेक टू में हो जाएगा सर। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सर, क्या किया तुमने? सॉरी सॉरी सर, हो जाता है कभी कभी, फिर से नहीं होगा सर। एक्शन।
में चार सीन हो जाते हैं। एक लास्ट चांस। कुशल बहुत सिंपल शॉट है यार, वो ढक्कन से खोलो, सिंदूर निकालो और लगा दो। एक मिनट, आई जस्ट शो यू, तुम एकदम वैसे कॉपी कर देना, ओके? तुम इधर बैठो। ये। और देखो कि कैसे लगाना, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज है। अब विद्या इधर खड़ी रहो। वॉच। ये थर्ड उंगली से सिंदूर निकाला, ओके? सिंपल, कुछ नहीं करना और सीधा बस। अरे रुकिए, वो क्या है ना कि आप कुशल जी को तो दिखाएंगे पर बिंदिया जी को भी तो दिखाना है ना, तभी तो वो अभिनय कर पाएंगी। हाँ, हम ऐसा करते हैं, हम इनकी जगह पर खड़े हो जाते हैं। हाँ। नहीं, 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 कोई जरूरत नहीं है, वो कर लेती है। वैसे मैं एक बात बोलूं, सिर्फ पल्लू घुमाने से कोई भी बिंदु बिंदिया नहीं बन जाती। जिससे प्लीज ऑल योर्स, हम करके दिखाते हैं। हाँ। पर ये ना, अरे शूटिंग पे हूँ ना, घर का सामान अपने आप ले आओ, मैं नहीं ला सकता। अरे बाबूजी, आप यहाँ बैठे बैठे रसगुल्ले खा रहे हो, वहाँ अंदर देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। इससे भी ज्यादा राजीव सर ना, बिंदु जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। भरिए ना, सब भरिए ना। समझ गए सर, मेरे हाथ भी ऐसे ही कांपेंगे। अरे नहीं, वो मेरे हाथ तो घबराहट कपाहट में कांप रहे हैं, ठंड लग रही है। अरे वो एसी ऊपर, वो घुमा दो पाइप। हाँ लल्ला, क्या अम्मा? लल्ला के बाऊजी, सब ठीक है ना वहाँ? हे बिंदु, क्या कर रही है? वो मांग में सिंदूर भरवा रही है। क्या? और लल्ला कहाँ है? अरे लल्ला ही तो उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। क्या? लल्ला बिंदु की मांग में सिंदूर भर रहा है? क्या? और बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? रोकिए उसे। हम तुम्हें मांग भराई का लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। अब कुशल बिंदिया की मांग नहीं भरेगा। जैसे ही कुशल मांग भरने लगेगा, वैम्प वहां आ जाएगी और जैसे ही माया आएगी, वो बाहर से पड़ोसी के बच्चे का फुटबॉल ले आएगी और ऐसे वाह के मारेगी और सिंदूर बिखर जाएगा। उसके बाद मैं सोच के बताता हूँ, तब तक यहाँ तक शूट करो, राइटर को बुलाओ। प्रिया डार्लिंग, कहा था ना पेट्रोल और माचिस की तिली, और मैंने भी कहा था ना I trust my Rajiv. लल्ला किसके? बस बहुत हो चुका है, अब बिंदु को वापस बनारस भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे हरिद्वार जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये सब देखने के बाद प्रिया के सब्र का बांध टूट जाएगा और मेरी शादी भी। उसके बाद रास्ता क्या बचा? बस संन्यास लेके हरिद्वार जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कुछ भी करके बिंदु को रियलाइज कराता हूँ कि सपने सपने होते हैं लेकिन अपने तो अपने होते हैं। कैसे करूं? एक काम करता हूं। हेलो बिंदु।
ताकि तुम मुझसे कभी ना जाओ दूर। वहां बाबूजी के सामने तुम्हें सिंदूर नहीं लगा पाया ना, लेकिन अब लगाऊंगा। तुमने मुझे सब याद दिला दिया, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, सब कुछ। तो सोच क्या रहे हैं, तो भर दीजिए ना हमारी मांग में सिंदूर। तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? जब भी शादी करूंगा और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में। हाँ, हमको सब याद है। तो बस चलने की तैयारी करो। कहाँ? बनारस? नहीं नहीं, जबलपुर। जबलपुर? देखो, कानूनन दो शादी करना जुर्म है, इसलिए हम दोनों भागकर जबलपुर चले जाएंगे। और जब तक ये मामला ठंडा होगा, फिर वापस आके मैं तुम्हें बनारस ले चलूंगा और हम काशी विश्वनाथ के मंदिर में शादी कर लेंगे। अरे दया, बिना शादी के, वो भी एक साथ? नहीं, कर दी ना तुमने वही अपने संस्कारी पति वाली बातें। अरे ये सब छोड़ो और अब एक साथ रहने की खुशी बनाओ, सिर्फ तुम और मैं और हमारा प्यार, ठीक है ना? अरे दया, बिना शादी के एक साथ रहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे सुनिए, तुमने वो सीट लिख दिया? खाना सर, सुनाओ क्या? अबे तुम क्यों धीरे बोल रहे हो, चला के बोलो। हो जाएगा सर, आपने जैसा कहा हो जाएगा, सब बेच दूंगा। आपकी जमीन जायदाद, खेत खलियान, मकान दुकान, आपकी थकान सब बेच दूंगा सर, छुट्टियों में। हाँ ठीक है, जाओ और बेच दो। अब मुझे काम करने की जरूरत है, मैं थक गया हूँ, अब बस आराम करना चाहता हूँ। तुम जाओ और जो भाव मिले उसमें बेच दो, जाओ। ओके सर। सुनिए ना, क्या आप अपना सब कुछ बेच रहे हैं क्या? हाँ, अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ, अब और काम नहीं होगा। और वो घर पे अम्मा जी और प्रिया की चिक चिक किट किट और सेट पे बिंदी और कुशल की पिट पिट, इस सब को छोड़कर बस तुम्हारे साथ जबलपुर में आराम करना। लेकिन काम करना भी तो जरूरी है ना? कर देना तुमने वो अपने काम काज करने वाले पति जैसी बात। अरे यार, अब बस आराम। संडे हो या मंडे, एवरी डे विल बी फन डे। हाँ, अगर तुम्हारा काम करने का मन हो तो मैं रोकूंगा नहीं, प्रिया को भी कभी नहीं रोका। ऐसा वैसा जो सेविंग है उसमें काम चल जाएगा, लेकिन कभी अगर जरूरत ज्यादा हो गई तो तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगी ना। मैं बस अब आराम करूंगा, आराम। अरे ये तो कमाल करते हैं, अरे काम नहीं करेंगे तो उनके शरीर और दिमाग में जंग लग जाएगा। हाँ, और पैसों का क्या है, पैसे तो आज है कल खत्म हो जाएंगे। हाँ भैया, अगर पैसे खत्म हो गए तो खर्चा कैसे चलेगा? और फिर क्या है ना कि काम सिर्फ काम नहीं होता है, काम तो अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी निभाना होता है, जैसे हमारे पब्लिक के पप्पा करते हैं। हाँ। देखो ना दीदी, मुझे कितने लाइंस देते हैं सच में यार। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी, क्योंकि मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ। हाय सर, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, सो एक्सप्रेसिव। तुम्हारी आंखें मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है, और जब तुम ऐसे एक्सप्रेशन देती हो तो सीधा दिल पे आके लगते हैं। और तुम्हारे बाल तो मैंने अभी अभी कलर किया है, दिख रहा है। मैडम शॉट रेडी है। मेरा शॉट रेडी है सर, मेरा शॉट देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ। कम ऑन रेडी। सुनिए ना, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं, शूटिंग। अरे अभी बिंदिया बहू के साथ कैसी कैसी बातें कर रहे थे? कैसी बातें? बिंदु से आजादी कहते हैं, जो मैं प्रिया को देता हूँ प्रिया मुझे देती है। यू नो, हम किसी से कुछ भी बात कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं। ये आजादी मैं तुम्हें भी दूंगा, डोंट वरी। नहीं नहीं, हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, करती ना तुमने अपने पिछड़े हुए पति जैसी बातें। पुराने वाले पति को मारो गोली और मेरे साथ खेलो प्यार की होली। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं खेलनी है ऐसी प्यार वाली होली। वो क्या है ना कि हम अपनी दिवाली के साथ ही बहुत खुश हैं। और हाँ, ये जो आप बबली के पापा को पिछड़े हुए कह रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने रिश्तों और संस्कारों को भी निभाते हैं। हाँ अच्छा, तो ये सब छोड़ के तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, मेरे साथ अपनी जिंदगी क्यों बिताना चाहती हो? देखो मैं तो ऐसा ही, खुले दिल का, खुले दिमाग का,
एकदम आजादी देने वाला, आजकल नहीं चलता है फ्रीडम। अब बिंदिया का शॉट देख के आता हूँ। क्या? हाँ प्रिया, मैं सच कह रहा हूँ। पता है राजीव, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। और अब मैं अम्मा जी को ये सब बताने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, अम्मा जी को मैं बताती हूँ। ओके। अरे अम्मा जी। हाँ। अब मुझे आपको बिंदु के बारे में कुछ बताना है। क्या? वो बात जो ना उसे मुझसे कही और ना जिस बारे में आपको पता। और हाँ, आप वही कीजिएगा जो आपसे करने के लिए कहा जाए। बिंदु, हम तुम्हारी अम्मा जी, प्रिया, हम सब बाहर जा रहे, साथ में गप्पू भी है। तुम अगर आना चाहती हो तो आ सकती हो। हाँ। नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं और बिंदु घर पर रुक जाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक। क्यों, अब मिला ना सही मौका। घर पे हम दोनों अकेले होंगे और रात अकेली है, बुझ गए दिए। सुनिए ना, अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ, आप जाइए। ये वक्त आराम का थोड़ी ना है। ये देखो। ये आप हमारी बबली के लिए लाए हैं क्या? नहीं नहीं, ये बबली के लिए नहीं है। देखो क्या है ना, मैंने तुम्हें हमेशा इस पल्लू में देखा है, आज मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। तो बस जल्दी से पहन लो, और इससे पहले कि कोई और आए दोबारा साड़ी पहन लेना, ठीक है? और हाँ, जब रेडी हो जाओगी ना तो हॉल में आ जाना डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान है। दादा सुनो। हाँ। जल्दी आना। ओ, ये तो वैसा वाला सरप्राइज दे रहे हैं जैसा हमने इनको दिया था, पर हम जबलपुर नहीं जाएंगे, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। हमको एहसास हो गया है कि हमारे पति से अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। हमारे पति जिनके पास संस्कार है, जो जिम्मेदार हैं और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। हाँ, हम अपने पति को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि उनको हमारे रिश्ते की कदर है, और हम भी ना उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हम उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके बिना जी नहीं सकते, इसीलिए हम जा रहे हैं वापस बनारस, क्योंकि हमको सब याद है कि हम एक पत्नी हैं और अपनी बबली की माँ भी। सब पता चल चुका है, राजीव भैया ने हमें सब कुछ बता दिया है। और लल्ला ने हमें भी सब कुछ बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। और इसीलिए हमने तुम्हारे पति को यहाँ बुलाया। हाँ बिंदु, मैंने सबको सब बता दिया। क्या आपने सब कुछ बता दिया? क्यों क्यों बता दिया सब कुछ?
इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने पति को कितना मिस कर रही थी। अब तो खुश हो, एक पति से दूर रहने का गम तुम्हारी आंखों में साफ झलक रहा था। बहुत प्यार करती है तुमसे। ओ, तो ये बताया आपने? हाँ। सुनिए। अम्मा, अम्मा। बबली, हमारे बच्चे। देखा? अपने पति के साथ साथ अपनी बच्ची को भी कितना मिस कर रही थी बिंदु, हैं? ठीक है आपने अम्मा जी। हाय बहू, आज क्या सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है? नहीं, हमारी बहू हमारी हाँ में हाँ जो मिला रही है। तो बिंदु हम चले। सुनिए, हम आपको वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, थैंक यू। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। अब हम चलते हैं। हाँ बिंदु, जल्दी वापस आना, हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हाँ हाँ प्रिया जी, हम भी ना आप सबको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि तुम्हें तो सब याद है। यही तो मुसीबत थी। बिंदु बेटा, तुम्हें तो वो लड़की भी याद होगी जिसके पीछे राजीव दिन रात मोहल्ले में घूमता फिरता था तुम्हें जलाने के लिए। हाँ बाबूजी, हमको तो सब याद है। तो तुम जल्दी बताओ, बड़ा मजा आएगा। अरे बाबूजी, आप महान है। वो तो हम है ही, बल्कि मैं तो कहूंगा छोड़ो। शुक्र है ये बिंदु पुराण खत्म हुआ। अब प्लीज कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कोई और मुसीबत मत देना प्लीज।